नमस्ते, हमारा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं तक्षिला विधि टॉक्स। आज मैंने अपने इस प्रोग्राम में निमंत्रण दिया है डॉक्टर शरद कुमार जी को, जो कि इस समय सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में हैं, डीन स्टूडेंट वेलफेयर के पद पे हैं। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है वो BHU से हुई है। इन्होंने 1992 में सोशियोलॉजी किया BHU से, BA किया सोशियोलॉजी में BHU से, फिर 94 में MA किया इन्होंने सोशियोलॉजी में ही BHU से, फिर PhD भी इन्होंने सोशियोलॉजी में की, वो भी BHU से ही। उसके बाद डिप्लोमा इन योगा है इन्होंने BHU से लिया। फ्लूट यानी कि बांसुरी वादक भी हैं, अच्छा बांसुरी बजाते हैं, उसमें भी डिप्लोमा है सनत कुमार जी का। 25 वर्ष का अनुभव है इनको अध्यापन में, और इन्होंने 10 वर्ष उसमें विदेश में यानी इथियोपिया अफ्रीका में भी बिताए हैं। उनके 42 पेपर हैं, 11 किताबें हैं और 119 नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार इन्होंने किया हुआ है। सो सनत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। स्वागत है सर, नमस्कार। तो हमारी आपकी मुलाकात काशी न्याय समागम में हुई थी, और आपने वहां पे जो है भारतीय धर्म और न्याय शास्त्र के ऊपर अपना एक प्रेजेंटेशन दिया था, जो मुझे काफी अच्छा लगा। तो मैं चाहूंगा कि आप बताएं, क्योंकि हमने कभी पढ़ा नहीं, हमें तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाए गए, हम लोग लॉ के स्टूडेंट रहे, हमें वेस्टर्न फिलोसफीज ही पढ़ाई गई हैं। तो मैं चाहता हूं कि अब एक भारतीय न्याय दर्शन और जो लॉजिक और ये सब चीजें हम पढ़ रहे थे वो भी लोगों के उसमें आए, और मैं इसको लॉ के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैं चाहता हूं कि वो पढ़ें, वो भी समझें, क्योंकि जब वो कोर्ट्स में जाते हैं तो इन चीजों का भी ज्ञान उनको होना चाहिए, स्पेशली न्याय शास्त्र। न्याय का मतलब लोग नॉर्मली यहाँ जस्टिस समझते हैं, बट जब मैंने न्याय शास्त्र पढ़ी तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि उसके मुताबिक न्याय का मतलब होता है लॉजिक। तो सनत जी, आप बताइए जरा भारतीय दर्शन के बारे में हमारे श्रोतागणों को। देखिए, जब हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो हम भारतीय दर्शन एक समग्र का विकास है, समग्र का समग्र मतलब टोटैलिटी, सारी चीजों को जोड़ करके देखना। हम किसी चीज को अलग अलग नहीं देख सकते, किसी चीज को हम अलग अलग नहीं देख सकते। तो भारतीय जब हम दर्शन की बात करेंगे तो उससे पहले आता है कि भारत में शिक्षा कैसी रही। ये जो जैसा आपने कहा कि न्याय का मतलब जस्टिस नहीं है, न्याय का मतलब तर्क है, भारतीय दर्शन में न्याय का मतलब तर्क है। उसी तरह से जो हमारी शिक्षा पद्धति रही है वो एजुकेशन नहीं है, वो जो आजकल एजुकेशन चल रहा है पिछले 100-200 वर्षों में, 300 वर्षों में, वो एजुकेशन नहीं रहा है। तो जब हम पहले फोकस करेंगे कि भारत की शिक्षा में क्या क्या था, तो दो चीजें थी। एक तो जो हमारा धर्म है उसको हमने लॉ कहा है, हमने कोई चीज लॉ स्पेसिफिक नहीं, हमारा ये धर्म है। जैसे मैं शब्दों का प्रयोग करता हूँ, व्हाइल गोइंग टू टॉक we are generally talking about the dharma, we are not talking about the law, we are talking about the dharma. Dharma means the duties, dharma means the duties, what you are doing. This is for example I am a teacher, so what is my dharma? You are a brother, what is your dharma? You are the student, what is your dharma? So iski ek baat unhone kahi ki bharat mein jo nyay hai wo dharma darshan ki baat kehta hai। अब हम दर्शन की चर्चा कर लें तो जैसे जो वेस्टर्न फिलोसफी है वो दो शब्दों से बनी है, फिलोसॉफी, फिलो मीन्स द लव, सॉफी मीन्स द स्टडी। व्हाइल गोइंग टू सी एनीथिंग विद द पैशन, विद द अटेंशन, विद द अफेक्शन, इट्स कॉल्ड फिलोसफी। यू आर गोइंग टू विजुअलाइज योर लाइफ, दैट इज कॉल्ड द फिलोसफी। लेकिन जब हम भारतीय दर्शन की तरफ आएंगे तो दृश्यति दर्शनी दर्शन मात्र, दर्शयति दर्शन, जिसको हम जैसा देखते हैं वो दर्शन है। जैसे हमने गंगा को मापा, नदियों को मापा, जैसे हमने पीपल को भी जीव माना, तो भारतीय दर्शन जो है, जब हम भारत में न्याय की परंपरा को कहते हैं तो हम जोड़ करके देखते हैं और उस परिस्थिति के हिसाब से देखते हैं। अब जब हम भारतीय दर्शन के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास आई कि हमारी जो नैतिकता है वो कैसे जुड़ी हुई। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम में जब हम डिफाइन करते हैं कि कैसे कैसे देखेंगे, तो हमारे यहाँ 14 विद्या है, 64 कला है और 180 प्रकार के व्यापार है, 14 विद्या, 64 कला, 180 व्यापार। जब हम 14 विद्या की बात करते हैं, हमारे पास 14 विद्या रही है, तो उसमें 4 वेद हैं,
चार वेदांग हैं, सॉरी क्षमा चाहूंगा, चार वेद हैं, चार उपवेद हैं और छह वेदांग, षड वेदांग। इनको जानने के बाद अब हम आते हैं दर्शन की तरफ। तो हमारे पास षड दर्शन का सिद्धांत है इंडियन फिलोसफी में, और मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं या आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं या आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, किसी भी चीज में दर्शन बहुत जरूरी है। तो षड दर्शन हमारे यहाँ है, छह स्कूल हैं हमारे पास। हमारे पास पहला स्कूल है योग स्कूल, योग, जिसको आजकल कॉमन वर्ड में हम योगा योगा कहते हैं। योग, योग मतलब टू ऐड, टू यूनाइट, जुड़ना। योग का सीधा सा अर्थ है जोड़ना। जब हम दो चीजों को जोड़ते हैं तो वो योग कहलाता है। अब हमने, जब हम इस विधा में बात करते हैं कि भाई हम आ तो गए, योग है, अब जोड़ना किस चीज का है, किस चीज से जुड़ना है, तो देयर आर सम एस्पेक्ट्स। हमको अपने आप को अपने शरीर से जोड़ना, हमको अपने आप से, अपने माइंड से, अपने सेल्फ से, इनर सेल्फ से जोड़ना, हमको जोड़ना है प्रकृति से, हमको जोड़ना है अपने समाज से, हमको जोड़ना है कॉस्मोस से। योग फिलोसफी के जो अधिष्ठाता रहे, जो फाउंडिंग फादर रहे, वो पतंजलि रहे। मेरा जो दूसरा स्कूल आता है वो सांख्य का स्कूल है। इस पर आप जब समय मिलेगी तो मैं सब पर एक एक चर्चा करूंगा आपसे। सांख्य स्कूल कपिल ने दिया था। सांख्य स्कूल जो है वो कपिल का है, कपिल ने दिया था। और कपिल कहते हैं कि देयर इज नथिंग बियॉन्ड प्रकृति एंड पुरुष। जो भी चीजें हैं वो प्रकृति और पुरुष के सिवा कुछ भी नहीं, प्रकृति और पुरुष। तो प्रकृति क्या है? द नेचर। पुरुष क्या है? पुरुष कोई चीज, व्यक्ति नहीं है, मेल फीमेल नहीं है। पुरुष का ट्रांसलेशन है कॉस्मिक एनर्जी से, सोल से। जैसे वृक्ष की भी अपनी प्रकृति है, जल की भी अपनी प्रकृति है, वायु की भी अपनी प्रकृति है। और प्रकृति को हम त्रिगुणातीत कहते हैं, त्रिगुण, सात्विक, तामसिक, राजसिक। तो सांख्य कह रहे हैं कि देयर इज नथिंग बियॉन्ड प्रकृति एंड पुरुष। छोटा सा एग्जाम्पल है, सुख क्या है? जो आपके अनुकूल है। दुख क्या है? जो आपके अनुकूल नहीं है। जब परिस्थितियां, कोई भी चीज समस्या बन जाती है, इट्स अ प्रॉब्लम इफ यू डोंट हैव द सॉल्यूशन। इफ यू हैव द सॉल्यूशन देयर इज प्रॉब्लम। तो प्रकृति, अब जैसे कोई आदमी सात्विक प्रकृति का है या कोई आदमी तामसिक प्रकृति का, मान लिया मैंने तामसिक प्रकृति का, वो तामसिक भोजन करता है। अगर मैं उससे कह दूं कि तुम सात्विक भोजन करो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो उसकी कोई मानसिक मौत हो जाएगी, ना शारीरिक मौत हो जाएगी, लेकिन 20-25 दिन बाद उसके चेहरे की चमक निकल जाएगी, क्योंकि उसकी प्रकृति मैच नहीं कर रही है। तो जब प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है तो आनंद की अनुभूति होती है। अब जैसे मैं अपने को ले लूं या आपको ले लूं, मान लीजिए आपकी प्रकृति सात्विक है और मैं आपको रात को 11 बजे पढ़ाऊंगा तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन मैं सवेरे 4 बजे अगर आपको पढ़ाऊंगा तो आप पढ़ लेंगे, क्योंकि आप सात्विक प्रकृति। तो भोजन का, उसका प्रकृति, प्रकृति और पुरुष, इन दोनों का मिलन आनंद की अनुभूति देता है। इससे अहंकार उत्पन्न होता है। अब उसके 5 एलिमेंट हैं, 5 फाइन एलिमेंट्स हैं, ग्रॉस एलिमेंट्स हैं, 20 तत्व तो होते हैं कुल, कभी चर्चा होगी तो मैं इस पर चर्चा करूंगा। तो हमारा दो स्कूल है, जो व्यक्ति को जानता है, जो स्वयं को जानता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पराविद्या, ठीक है। तो अब इस स्कूल को देखने में 2 स्कूल हो गए हमारे पास, जब हम दर्शन की बात कर रहे हैं। योग, योग जिसके अधिष्ठाता पतंजलि है, सांख्य जिसके अधिष्ठाता कपिल है। अब हम बाहर की तरफ चलते हैं। अभी मैंने अपने को जाना, अपने प्रकृति को जाना। अब हम जब न्याय स्कूल की बात करते हैं, न्याय जिसके, जिसको दिया था गौतम, तो गौतम कहते हैं कि न्याय, न्याय क्या चीज है? तो कहते हैं लॉजिक। कैसा लॉजिक है? तो कहते हैं कि जब हम किसी बात की तुलना करते हैं तो किससे कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। वो न्याय कहता ही है कि प्रमेय, प्रमाण, वो 26, उसके 16 एलिमेंट्स हैं, 16 पदार्थ हैं। अब चूंकि हम न्याय पे चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा इसको 5 मिनट का समय दीजिएगा। जी 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 जी, आप ले समय। पहली चीज है हमारा प्रमेय। हमारा प्रमेय क्या है, हमको सिद्ध, आपका अगर आप बोले तो आपका स्लाइड शेयर कर दूं लोगों के साथ। कर सकते हैं, कर सकते हैं, 1 मिनट। हाँ ठीक है, मेरी स्लाइड चल रही है ना? हाँ चल तो रही थी पर ये गायब हो गई है।
ये दिख रही है क्या? एक सेकंड, आ गई आ गई, शायद आ गई। ये सग दर्शन दिख रहा है ना? हाँ जी, ये आ गया, देखिए ये आ गया जी, आ गया। हाँ, न्याय धर्म और ये सब। हाँ, अब आपको चलाना होगा, वहां से आगे बढ़ाना होगा, वहां से आपके पास कंट्रोल है। बस 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 आता हूं। तो यदि मैं आपके बात को, यदि मैं आपके बात को दर्शकों तक थोड़ा सा समराइज कर दूं, आपने कहा कि किसी भी चीज को जानने के दो तरीके, एक तो पहले स्वयं को जानो, और जो स्वयं को जानने की जो विद्या है वो आपने सांख्य बताई और योग बताया। इससे आप अपनी जो है, अपने बारे में, अपने विषय में, अपने आसपास के विषय में, फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव आप समझते हैं दुनिया को, या दुनिया आपको समझती है। अब आप ये समझ रहे हैं कि जब आप दूसरों को जानना चाह रहे हैं, या अपने आसपास की हुई घटनाओं को समझना चाह रहे हैं, या अपने आसपास हो रही फिनोमिना को समझना चाह रहे हैं, तो अब आप जो है स्वयं से निकल करके बाहर के दृष्टिकोण पे जाएंगे, तो उसके लिए आप न्याय दर्शन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये जी बताएं। तो न्याय में अब हमने कहा कि प्रमेय, प्रमाण, जैसे हम कहते हैं कि हमारा प्रश्न कैसा है, तो प्रश्न के पांच प्रकार होते हैं। जैसे हम आपसे कोई शब्द बोलते हैं तो उस शब्द के पांच अर्थ होते हैं। कैसे होते हैं? शब्दार्थ, शब्द का अपना एक अर्थ होगा। भावार्थ, उसकी इस भाव में कहा गया है। संदर्भार्थ, प्रकृतार्थ और निहितार्थ। रेफरेंस वैल्यू, कॉन्टेक्चुअल वैल्यू, लिटरल वैल्यू, नेचुरल वैल्यूज एंड प्लेस वैल्यूज। वो कहाँ प्रयोग हुआ है, किससे प्रयोग हुआ है, कब प्रयोग हुआ है, कैसे प्रयोग हुआ है, तो ये शब्दों के अर्थ होते हैं। हमको किसी भी चीज को देखने के लिए जब हम दर्शन करते हैं तो हमको उन शब्दों को जानना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, उनकी डायलॉग डिलीवरी कैसे हुई, किस सिचुएशन में हुई। उस शब्द, जैसे हम कह देंगे पानी, तो पानी का क्या अर्थ हुआ भाई? पानी का कोई अर्थ नहीं, वो प्रचलित भाषा है। क्योंकि हम बचपन से, हम जिस समाज में रहते हैं उसको हम पानी कह रहे हैं, तो लोग पानी कह रहे हैं, तो वो स्वीकार होता है। उसी तरह से न्याय की दृष्टि में हम जब चर्चा करते हैं तो हम स्वीकारोक्ति पर ध्यान देते हैं। अब न्याय कहता है कि कैसे होगा, तो कहता है कि प्रमाण। अब वो प्रमाण चार प्रकार की चीजों का प्रमाण मानते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, देख के आपने प्रमाण किया। कोई चीज दीपक जल रहा है तो प्रत्यक्षम के प्रमाण, जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं सिद्ध है। अब देखिए, हम कहते हैं प्रूफ, एक वर्ड होता है प्रूफ, और एक होता है इविडेंस। तो जब हम इविडेंसेस को जोड़ के कोई चीज प्रूफ करते हैं, ऐसा रहा है तो ऐसा होगा, यही बात न्याय भी कह रहा है। न्याय कहता है कि अनुमान प्रमाण, अनुमान। अब जैसे आप सड़क पे निकले, आपने देखा सड़क गीली है, तो आपने अनुमान क्या लगाया कि रात को बारिश हुई होगी, ये अनुमान प्रमाण है। ठीक है, अब जैसे आपने धुआं देखा तो बताया कि आग होगी, आग होगी तो धुआं होगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर धुआं है तो आग होगी। तो प्रमाण की कई कैटेगरीज हैं। अब न्याय दर्शन में जब हम इसकी चर्चा करेंगे कभी, तो मैं 16 पदार्थों पर चर्चा करूंगा। अब मैंने आपसे कहा कि प्रश्न हम कैसा पूछ रहे हैं, प्रश्न का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। मैं एक सहज प्रश्न पूछता हूं, अगर मैं हिंदी में पूछूं कि 7 × 4, तो आपका उत्तर होगा 28। बहुत साफ, क्योंकि प्रश्न साफ है। 7 × 4, 7 + 7 + 4 = 11, 7 × 4 = 28, बिकॉज द क्वेश्चन इज क्लियर। अब आप प्रश्न बनाइए। एक प्रश्न होता है अवसाद से उत्पन्न प्रश्न। सब लोग दुखित हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हमारे साथ भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, मैं एग्जाम में फेल क्यों हो गया, ये अवसाद से उत्पन्न प्रश्न। जैसे कृष्ण में, भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, तो अर्जुन को अवसाद हुआ है, कहता है कि मैं हमारे ताऊ जी को मार दूं, पिताजी को मार दूं, दादाजी को मार दूं, जिन गुरु जी ने हमको शिक्षा दी मैं उनको मार दूं, ये ठीक तो नहीं है। तो ये अवसाद से उत्पन्न प्रश्न है। कृष्ण इसका उत्तर देते हैं, क्या कृष्ण कह रहे हैं कि अशोच्यानन वशोचस्तु प्रज्ञा वाशांस भाष्य से गतासून गतासुनश्चनान सोचन। तुम ज्ञानियों जैसी बातें कर रहे हो, ज्ञानी नहीं हो। ज्ञान होना और ज्ञानियों जैसी बातें करना में अंतर है।
जो बीत गया है और जो आने वाला है ज्ञानी जन उस पर चिंता नहीं करते। अब दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न होता है सामान्य प्रश्न होता है, पानी कहाँ रखा है, ग्लास कहाँ पे है, एग्जाम कब है, ये सेकंड कैटेगरी का जिसको हम इंफॉर्मेशन टाइप का क्वेश्चंस कहते हैं। तीसरा जो ऊपर का स्तर होता है वो परीक्षा का प्रश्न। अब परीक्षा के प्रश्न में भी हम गलतियां करते हैं और इसमें पांच प्रकार की हम गलतियां करते हैं। अब हमने परीक्षा ली, गणित का विद्यार्थी है, गणित का विद्यार्थी स्नातक के द्वितीय वर्ष में है, ए स्टूडेंट फ्रॉम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट इन बीएससी पार्ट टू, ही अपीयर इन द एग्जामिनेशन एंड ही स्कोर जीरो मार्क्स। हाउ इज पॉसिबल? बच्चा गणित के पेपर में अगर शून्य पाया है तो क्या उसने क्लास टेंथ नहीं पास किया था? क्या उसने ट्वेल्थ नहीं पास किया था? ग्रेजुएशन में वो आया कैसे? हाँ, जो प्रश्न आपने पूछे उसके उत्तर उसको नहीं पता था, लेकिन गणित विषय में वो जीरो है, ऐसा नहीं हो सकता। तो परीक्षा के प्रश्न में शिक्षक की बड़ी भूमिका होती है। प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए, प्रश्न की प्रकृति होनी चाहिए, प्रश्न सम्यक होना चाहिए, प्रश्न की अपनी भाषा और प्रश्न का माध्यम स्पष्ट होना चाहिए। हम लोग ये गलती साधारण बातचीत में करते हैं कि प्रश्न ही हमारा स्पष्ट नहीं होता। जैसे मैं किसी से बात करूं और कहूं कि वो आप मेरी बात समझे नहीं, नहीं आपने गलत किया, आपने आपको समझ के बोलना चाहिए। हमारे यहाँ जो आपसी विवाद होते हैं, भाई भाई का विवाद हो या पति पत्नी का विवाद हो या जो मित्रों का विवाद हो, उसका कारण क्यों है? क्योंकि हम स्वयं में स्पष्ट नहीं। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि योग दर्शन, पहले योग पढ़िए, फिर सांख्य पढ़िए, फिर आप न्याय में आइए, ठीक है? तो परीक्षा के प्रश्न हो गए। दूसरी चीज हो गई, हमको जानना है, हमको जानना है, ये उच्च कोटि का प्रश्न है, उच्च कोटि का प्रश्न। हमको जानना है, हमको प्रकृति के बारे में जानना है, हमको सत्य के बारे में जानना है, हमको शिक्षा के बारे में जानना है, हमको ज्ञान के बारे में जानना है। ज्ञान है क्या? अब आप अष्टावक्र की गीता पढ़ेंगे, अष्टावक्र गीता तो जन्म का पहला ही प्रश्न है, कथम ज्ञानम, ज्ञान क्या है, कथम मुक्ति, तत् मम ब्रूहियात प्रभु, ज्ञान क्या है, मुक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, आप हमें बताएं। हम जैसे आप काशी की चर्चा आपने शुरू की थी, अब काशी में हम मृत्यु को उत्सव मानते हैं। कभी आप काशी आइए, डेड बॉडी जाती तो खूब ढोल नगाड़े बजते हैं, लोग नृत्य करते हैं, बोलो भैया ये क्यों हो गया? एक वो मेरा जन्म सब काशी में, मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, तो मैं जब ग्रेजुएशन में था तो हमारी एक बुक है सर, वाराणसी सेलेस्टियल सिटी। अच्छा अच्छा, तो एक अंग्रेज आया मणिकर्णिका घाट पे बैठा था, बोला ये क्या हो रहा है? हमने बोला ये लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि जिनकी मृत्यु हुई है वो 90 वर्ष की अवस्था के हैं, उन्होंने अपने नाती पोतों से भरा घर देखा है, वो अपना पूरा जीवन देखे हैं, ठीक है? तो अजीब स्थिति है साहब। दूसरी तरफ एक डेड बॉडी आई, लोग रो पीट रहे थे, चिल्ला रहे थे, हमने बोला ये क्या हुआ? तो अंग्रेज ने पूछा कि हाउ, हमने बोला भाई उनका यंग लड़का था, वो चला गया। तो बोला तो ये लोग क्यों रो रहे हैं, अगर उत्सव था तो अभी तो आपने कहा कि उत्सव है, मृत्यु नया जन्म होगा। हमने बोला नहीं भाई, उसने अपना पूरा जीवन देखा नहीं था, ठीक है? फिर क्या हुआ, एक छोटा बच्चा आया, बिल्कुल छोटा, हमें लगता है कि नवजात शिशु, 1.5 महीने का या 2 महीने का रहा होगा, सफेद कपड़े में लिपटा हुआ था। तो वहाँ एक जो बूढ़े से थे, उनकी उम्र करीब 70-80, हमें लगता है दादाजी रहे होंगे या उसके नाना जी रहे होंगे, उस बच्चे को लेकर के आए थे। तो उन्होंने गंगा में उसको प्रवाहित किया, उसके चाय वाय पी रहे थे और उनके चेहरे पे हल्की स्माइल, मतलब अंदर से दुख रहा होगा लेकिन चेहरे से उनकी स्माइल था और चाय वाय पी रहे थे। तो उस ब्रिटिशर ने हमसे पूछा कि ये तो प्रसन्न दिख रहे हैं। हमने बोला नहीं, ये योग की स्थिति में, समत्वम योग उच्चते, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जय अजय, उसने कई मृत्यु देख ली है इसलिए मुझे सहज लगता है, ठीक है? तो ये जो हमारा चौथा प्रश्न है, सहज प्रश्न। इसके बाद जो सबसे उत्तम कोटि का प्रश्न है वो होता है जिज्ञासा का प्रश्न। जिज्ञासा जो हमको जानना है, हमको सीखना है, तो किससे होगा? आचार्य से प्राप्त होगा। जो अपने आचरण से सिखाता है वो आचार्य। जैसे हम घर में छोटे बच्चे को कहते हैं कि धीरे बोलो, धीरे बोलो, जबकि हमारी खुद की आवाज बहुत तेज होती है, कह रहे ना धीरे बोलो, तुमको समझ में नहीं आ रहा, धीरे बोलो, कह रहा हूं धीरे बोलो, नहीं,
जब आप ये चाहते हैं कि बच्चा धीरे बोले तो आप उससे बोलेंगे तो बच्चा धीरे, प्रकृति, उसकी प्रकृति, जो आप कह रहे हैं उसकी प्रकृति होनी चाहिए। जैसे मैंने आप पिछली बार जब मुलाकात हुई थी तो मैंने आपसे कहा था, आप किसी को जोर से आई लव यू नहीं कह सकते, आप गुस्सा करके किसी को आई लव यू नहीं कह सकते। जब आप किसी से कहते हैं कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, वो आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, ईश्वर हो, पिता हो, तो आपके भाव प्रेम से भरे होते हैं। तो इसीलिए जब हम सांख्य, जब हम न्याय दर्शन की बात करते हैं, न्याय बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, तो प्रमाण हमारे पास कैसा होना चाहिए, हमारे प्रश्न कैसे होने चाहिए, हमारा तर्क कैसे होना चाहिए। कभी अगर आप कहेंगे तो मैं इससे आधे घंटे चर्चा, लेकिन अब चूंकि समय कम है, हम लोग को समझना भी है, तो न्याय की दृष्टि में हम इन चीजों पर चर्चा करते हैं। अब हम जैसे आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है, हमारी चर्चा किस पे है, हाथी पे, हाथी पे चर्चा। जब हम हाथी पे चर्चा करते हैं, हम रिसर्च स्कॉलर हैं और आप हमारे टीचर हैं, और आपने ये तय किया कि बेटा हमको एनिमल्स पे काम करना है, तो गुरु जी किस पे करना है, तो बोले बेटा हाथी पे करना है। तब आपने कहा हाथी अफ्रीकन हाथी पे करना है या इंडियन एशियन हाथी पे करना है, तो अफ्रीकन के कान बड़े होते हैं, एशियन के, तो वैशेषिक दर्शन की तरफ बढ़े, वैशेषिक दर्शन की तरफ हम उस चीज को स्पेसिफाई करते हैं। अब हमको चांदी का हाथी बनाना है, मिट्टी का हाथी बनाना है, लोहे का हाथी बनाना है, सोने का हाथी बनाना है, उसकी प्रकृति कैसी है। हम सोने का हाथी बनाएंगे तो उसकी हथौड़ी धीरे धीरे चलेगी, हम लोहे का हाथी बनाएंगे तो उसको कस कस के मारते हैं, हैवी हैवी वेट, ठीक है, तो उसका धातु, उसकी प्रकृति होती है। तो इसीलिए जब वैशेषिक दर्शन की तरफ हम बढ़ेंगे तो विशेष की बात कहता है, हम किसी घटना को, किसी कालखंड को कैसे देख रहे हैं। अब देखिए पंच दोष की बात मैं कहता हूं, पंच दोष लगते हैं, कौन कौन से दोष है, तो कहता है काल दोष, काल दैट मीन्स टाइम, किसी चीज को समय का एक दोष लगता है। जो दोष 5 साल के बच्चे को लगता है वो मुझे नहीं लगेगा, जो दोष 24 साल के बच्चे को लगता है वो हमको नहीं लगेगा, जो दोष 80 साल के बूढ़े को लगता है वो हमको नहीं लगेगा। आप हमको कह दो कि साहब आपको स्टेज पर बूढ़े की एक्टिंग करनी है, मैं 5 मिनट 10 मिनट एक्टिंग कर सकता हूं, लेकिन जब मैं कंफर्ट जोन में आऊंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो काल दोष, टाइम का ही दोष। अब भारतवर्ष में 200 साल पहले क्या हुआ उसको हम आज के हिसाब से कंपेयर नहीं कर सकते, वो हुआ होगा ये मैं मानता हूं, वो अच्छा हुआ होगा, बुरा हुआ होगा, लेकिन जब भी हम निर्णय लेंगे हम आज की परिस्थिति के हिसाब से। हाँ, इतिहास से हम सीख सकते हैं, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन निर्णय हमें वर्तमान परिस्थितियों से। तो काल का दोष पहला दोष, जो हम रिसर्च आज करेंगे वो 20 साल बाद सफल नहीं होगा। तो ज्ञान क्या है, जो हर परिस्थिति हर काल में ठीक हो, ठीक है। तो पंच दोष में पहला दोष है काल का दोष, दूसरा दोष है देश दोष, क्षेत्र दोष, देह दोष। जैसे मुझे पुरुष का शरीर मिला हुआ है, ये क्षेत्र कैसा है, पुरुष का है, तो जो दोष स्त्रियों को लगते हैं वो हमको नहीं लगेंगे, जैसे जो दोष अफ्रीका को लगते हैं वो भारतवर्ष को नहीं लगेंगे, भारतवर्ष के जो दोष हैं वो अफ्रीका को नहीं लगेंगे। तो क्षेत्र दोष, काल दोष, क्षेत्र दोष। अब तीसरा आता है सहज दोष। अब बारिश हो रही भाई, उसमें हम आप क्या कर सकते हैं, अब मैं पुरुष पैदा हुआ हूं प्रकृति से तो मैं क्या करूं, इसमें मेरा क्या दोष है, लेकिन इस पे हम लोग झड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, जिसे गुरु अपने शिष्य से ही लड़ जाता है। भारतवर्ष के जीव विडंबना है, लोग समझते नहीं है, लोग कहते हैं कि गुरु जी पीट रहे थे बच्चे को, नहीं है। जैसे पिता पुत्र का संघर्ष, वो पिता पुत्र का संघर्ष नहीं है, वो पिता पिता का संघर्ष है। पिता चाहता है कि हमारा ये अच्छा पिता बने। देखिए हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी में, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन करते हैं ना, तो रिप्रोडक्शन का मतलब केवल बच्चे पैदा करना नहीं है, रिप्रोडक्शन, हम कल्चर को रिप्रोड्यूस करते हैं, हम लैंग्वेज को रिप्रोड्यूस करते हैं, हम फैमिली को रिप्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए हमारे संस्कार कैसे होते हैं, पारिवारिक होते हैं। तो हमारे यहाँ संघर्ष कैसा है, पिता चाहता है कि अच्छा पिता बने। आप जब पीएचडी कर रहे होंगे तो आपके गुरु जी आपको खूब डांट रहे होंगे, खेत का झगड़ा था क्या, नहीं ना, उनका झगड़ा इस बात हम ये इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, जी जी कोई बात नहीं, लेकिन ये एक्सपीरियंस आप जहां भी रहे होंगे, आपके टीचर ने आपको बोला होगा, तो गुरु चाहता है कि बढ़िया गुरु बने। आज भी जब मैं अपने गुरु जी के सामने बोलता हूँ तो उनको गुरु जी डांटते हैं, तो तुमको ये नहीं आता, तुम ऐसे नहीं करते, तुम, क्योंकि वो कभी भी ये चाहता है कि हमसे अच्छा हो। पिता क्या चाह रहा है, कि अच्छा पिता बने, गुरु क्या चाह रहा है, कि अच्छा गुरु बने।
माँ का बेटी से संघर्ष ही इसी का है, टोटलिटी। वो चाहती कि अच्छी माँ बने, ये अच्छी माँ बने, ये अच्छी माँ बने, ठीक है। तो काल दोष, समय का दोष लगेगा, क्षेत्र का दोष लगेगा, सहज दोष लगेगा। आम का पेड़ है तो पीपल नहीं हो सकता है, तो सहज दोष लगेगा। चौथा, समाज में जिसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ है वो स्पर्श दोष। जैसे एक चीज होती है पैराडाइम शिफ्ट। अगर मैं बहुत देर तक आपको ड्राइंग के बारे में बताऊंगा, पेंटिंग के बारे में बताऊंगा, तो आप हमसे पेंटिंग का प्रश्न पूछेंगे। अगर हम बहुत देर तक ह्यूमन एनाटॉमी की बात करेंगे तो आप हमसे ह्यूमन एनाटॉमी के प्रश्न पूछेंगे। अगर हम आपसे पॉलिटिकल डिस्कशन करेंगे तो आप हमसे पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछेंगे। 20 वर्ष तक अगर मुझे प्रोफेसर्स के साथ रख दिया जाए, भले मैं कुछ नहीं पढ़ा हूं, मैं ABCD नहीं जानता हूं, हमें आप 20 वर्ष तक लॉ के प्रोफेसर के साथ रख दीजिए, लॉ कॉलेज में रख दीजिए, मैं प्रोफेसरों के साथ उठूंगा बैठूंगा तो 20 वर्ष बाद मेरी तर्क शक्ति बढ़ जाएगी। स्पर्श का दोष है। जैसे आप हमें IAS लॉबी के साथ रख दीजिए तो 20 वर्ष बाद मेरे अंदर एक स्किल डेवलप हो जाएगा कि जूनियर से काम कैसे करवाना है, डिप्लोमेसी के आंसर कैसे दिए जाते हैं, ये स्पर्श दोष लगता है। इसके बाद एक आता है दोष जो होता है भाव दोष, भाव, ठीक है। जैसे गुरुजी डांटते हैं तो गुरुजी इसलिए नहीं डांटते कि आप अपराधी हैं। हमारे यहां भी ड्रॉबैक क्या हुआ, अभी एजुकेशन में डिटेरियट क्यों किया, क्योंकि पेरेंट्स भी बच्चों को नहीं बता रहे हैं। अब आप थोड़ा सा दर्शन की तरफ बढ़िए, देखिए, गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे पहाड़ वाहे चोट। कितना मुश्किल होता है कंस्ट्रक्ट करना। गुरु कितना प्यार से रखता है, उसको लगता है ये चीज खराब हो जाएगी, तो अंदर से वो सॉफ्ट भी है, बाहर से वो हार्ड भी है। इस बात को कहते हैं, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और फिर जब वैशेषिक की तरफ चलेंगे, हम वैशेषिक दर्शन की तरफ। तो अब देखिए, वैशेषिक दर्शन में जब हम आते हैं तो हम कहते हैं कि किसी चीज को, जैसे हम हाथी की तुलना घोड़े से नहीं कर सकते, जैसे हम मछली की तुलना मगरमच्छ से नहीं कर सकते, जैसे हम पेड़ की तुलना गुलाब से नहीं कर सकते, वृक्ष में और पौधे में अंतर होता है, औषधि में और पुष्प में अंतर होता है, भोजन अलग चीज है, आहार अलग चीज है, ठीक है। तो वैशेषिक कहता है कि उसकी प्रकृति, उसके गुण धर्म के हिसाब से काम करना है, ये वैशेषिक दर्शन। हम परीक्षा तो ले रहे हैं, किसकी परीक्षा ले रहे हैं हम, जो मेरा अपना, मैं हो सकता है मैं गलत हूं, हम चाहे लॉ पढ़ें, चाहे फिजिक्स पढ़ाएं, चाहे एजुकेशन पढ़ाएं, हम क्लर्क बनाने की शिक्षा ले रहे हैं। हमने जो पढ़ा है बेटा तुमको आता है कि नहीं आता, बस उसकी परीक्षा दे दो। लॉ तुम्हें समझ में आया, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, लॉ तुम समझ रहे हो, उसकी प्रकृति समझ रहे हो, हम जो लिखा है वो तुमको आता है कि नहीं आता है, आर्टिकल 35A क्या कहता है, 156 क्या कहता है, 498 क्या कहता है, 125 क्या कहता है, 126 क्या कहता है, हमको नंबर से याद। भारत की दृष्टि तो कैसा धर्म कहता है। इसीलिए जब हम भारत के विधा के बारे में बात करते हैं तो मैं सबसे कहता हूँ कि वो मेरा लॉ का विद्यार्थी हो, मेरा एजुकेशन का विद्यार्थी हो, मेरा मेडिकल साइंस का विद्यार्थी हो, या मेरा इंजीनियरिंग साइंस का विद्यार्थी हो, हमारा CA हो, जो भी बड़ा है, हम उसको कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा। पहले उसको चार वेद, वेदांग, षड दर्शन, ये आना चाहिए, तभी वो ठीक से पढ़ पाएगा। अब जैसे अगर किसी को बढ़िया रिसर्चर बनना है या बढ़िया न्यायाधीश बनना है, ठीक है, बढ़िया डॉक्टर बनना है, तो उसको अष्टावक्र की गीता पढ़नी चाहिए, अष्टावक्र की, ठीक है, उससे एक दृष्टि ज्ञान की होती है। किसी को अगर बढ़िया रिसर्च करवाना है, बढ़िया टीचर बनना है, आप डॉक्टर हो कि भी टीचर होना चाहते हैं, आप लॉ के स्टूडेंट थे, आपने लॉ पढ़ाया लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप लॉ के प्रोफेसर हैं, तो आपको न्याय दर्शन जरूर पढ़ना चाहिए। तो ये न्याय की दृष्टि है जो हमको चीजों से अवगत है। तो योग और सांख्य ये स्वयं के लिए, न्याय और वैशेषिक ये बाहर की चीजों को अपने से कनेक्ट करने के लिए। फिर जो अगला दर्शन है, अगला दो बचा हुआ है, तो उसमें आता है मीमांसा दर्शन। मीमांसा ये जैमिनी का है और फिर वेदांत दर्शन है ये वसुदेव का है। तो अब देखिए, जब हम बात करेंगे कि मीमांसा दर्शन, तो मीमांसा किसको हम कहते हैं, मीमांसा, तो मीमांसा क्या होता है,
जब हम जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं, जो हमारे पंचभूत हैं और जो हमारे स्पर्श हैं, इन 20 को मिला करके, ये जो 20 एलिमेंट्स हैं, इनको मिला करके जो हमें ज्ञान हुआ है उससे अपनी परख से जानना, ये मीमांसा है। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं क्षमा चाहूंगा किसी से भी, कि अगर आप अच्छे न्यायाधीश हैं, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, अगर आप किसी के डायरेक्टर हैं, जो सबसे टॉप पोस्ट आप होल्ड किए हैं, तो आपको मीमांसा जरूर पढ़नी चाहिए, मीमांसा जरूर पढ़नी चाहिए, और स्वयं जीवन को पीसफुल बनाए, इसके लिए वेदांत दर्शन। अब देखिए, तो मीमांसा के ऊपर किताबें इंग्लिश में हैं, अवेलेबल हैं, मतलब इंग्लिश में? वैसे आप उनको कहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा, मैं प्रस्तुत कर दूंगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और उसके ऊपर मीमांसा के ऊपर आपके साथ एक चर्चा भी हो जाएगी आधे घंटे की। हाँ, निश्चित हो जाएगी। हाँ, तो आप समराइज कर दे 5 मिनट में, क्योंकि ये लगेगा थोड़ा। जी हाँ, तो अब मैं समराइज करता हूँ। अब हमने कहा कि सामने पड़ी चीज सांप है या रस्सी है, क्या प्रश्न है मेरा, सांप है या रस्सी है? तो सांप है या रस्सी है, इसमें दोनों का ज्ञान होना जरूरी है, सर्प का भी ज्ञान होना चाहिए और रस्सी का भी ज्ञान होना चाहिए। मतलब अगर सर्प और रस्सी दोनों का ज्ञान नहीं है तो आप इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तीसरी चीज क्या है, मेरी दृष्टि स्पष्ट होनी चाहिए, मेरी दृष्टि हो और प्रकाश न हो, अंधेरे में सांप है कि रस्सी नहीं समझ जाएगा, तो प्रकाश का होना जरूरी है। मेरी दृष्टि अंतर्दृष्टि बाह्य दृष्टि, हमको ज्ञान भी होना चाहिए और हमारी इंद्रिय दृष्टि भी काम करती चाहिए, ठीक है। इसीलिए जब हम न्याय शास्त्र को पढ़ते हैं तो हम समग्र का दर्शन करते हैं, टोटैलिटी को देख करके। तो मेरा यही कहना था कि जब भी हम पढ़ने जाएं, कोई भी विषय हो, वो आप आर्ट के स्टूडेंट हो, आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप स्कल्पचर के हों, आप म्यूजिक के हों, तो दर्शन, न्याय दर्शन जरूर पढ़ना चाहिए। जी, धन्यवाद। और मीमांसा भी आपने बताई, मीमांसा के बारे में आप कुछ बोल रहे थे, वो बात आपकी शायद मैंने बीच में काट दिया, आप उसको कंप्लीट कर दें। नहीं, अब कभी चर्चा होगी तो मीमांसा पर पूरा डिस्कोर्स कर दूंगा। मीमांसा का सीधा सा अर्थ है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, और जो हमारे पीछे से पैराडाइम शिफ्ट कर रहा है, जो पीछे से हमारे संकेत आ रहे हैं, उनसे लेकर के निर्णय देना, ये मीमांसा है। जैसे मीमांसा का इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं इसको? हाँ, इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं आप उसको, इंटरप्रिटेशन एक शब्द में कह सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, तो आपको क्या लगता है कि मैं बोल रहा हूं? नहीं बोल रहा हूं। आप ध्यान से देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे पीछे मेरा समाज खड़ा है। अगर मैं चाइना में होता तो मैं हिंदी नहीं बोल रहा होता, अगर मैं जर्मनी में होता तो मैं हिंदी नहीं बोल रहा था। तो मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है मेरे पीछे? मेरा समाज। कौन बोल रहा है मेरे पीछे? मेरे माता पिता, मेरा परिवार, मेरे नाना नानी, दादा दादी। तो मेरा समाज है, मेरा परिवार है, मेरा समुदाय है। फिर आप देखिए, मेरा स्कूल मेरे पीछे खड़ा है, हमारे प्राइमरी के टीचर्स जिन्होंने हमको पढ़ाया, हमारे इंटरमीडिएट के टीचर, हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर, हमारे जो PhD किया हमने, प्लस जिनसे हमने आध्यात्म की शिक्षा ली, जो हमारे सदगुरु रहे हैं, जो हमारा मार्गदर्शन किए हैं, वह प्रकृति है, वह वृक्ष है, वह अन्य, मतलब हर चीजों ने हमारा किया ना। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ। अब मैं 2 मिनट का फिर आपका समय ले लूंगा। हाँ, बिल्कुल ले लीजिए, बात पूरी की। आप जाइए, आप देखिए, अब शंकराचार्य जी जो हमारे मठों के स्थापक रहे हैं, तो शंकराचार्य जी से उनके गुरु जी ने पूछा कि हु आर यू, तो शंकराचार्य ने जवाब दिए, और जो जवाब दिए उन्होंने उसको निर्वाण षटकम बोलते हैं, निर्वाणाष्टकम बोलते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तामिना, हु एम आई, माइंड, इंटेलेक्ट, थॉट, विजन, नो आई एम नॉट दैट। मनोबुद्धि अहंकार चित्तामिना न च श्रोत जिह्वे, न च श्रोत जिह्वे, न च घ्राण नेत्रे, I am not in the 5 sense organs. Na cha vyom bhumir, I am not a sky, I am not earth, I am not air, I am not a water. I am auspicious, auspicious alone. To nyay ki drishti mein, jab tak hum sabse alag nahi honge, hum nyay nahi kar sakte. Ek example ke saath, main apni baat ko
बंद करूंगा, फिर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे तुला, आप देखिए तुला, तराजू, बैलेंस होता है, उसकी रस्सी, उसमें दो पलड़े होते हैं, उसमें रस्सियां बंधी होती हैं, एक डंडी होती है, ऊपर एक इंडिकेटर होता है, वो बताता है कि कम है कि ज्यादा है। वो न्याय कर रहा है क्या? वो न्याय नहीं कर रहा है। इस पलड़े पर बटखरा है, दूसरी तरफ चीनी है, मीट है या रुई है, वो बटखरा कभी नहीं पूछता, वेट कभी नहीं पूछता उसका। तो जब तक हम पूरी चीज को नहीं देखते हैं, तब तक हम न्याय नहीं कर सकते, और न्याय का निष्पक्ष होना जरूरी है। तो यहाँ पे न्याय आप अगेंस्ट बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट को कह रहे हैं या तर्क को कह रहे हैं? किसको न्याय कह रहे हैं? तर्क, तर्क, तर्क को कह रहा हूँ, तर्क को। अच्छा, तो बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट, तो जो जस्टिस, जिसको अंग्रेजी में जस्टिस कहते हैं, बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट पीपल या सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, उसका उसका संस्कृत या हिंदी समानार्थी शब्द क्या होगा? आपको यदि आप इस पे कुछ प्रकाश डालें। उसका समानार्थी तो हिंदी में नहीं मिलेगा, उसको हम ये कह सकते हैं धर्म, कह सकते हैं धर्म। तो धर्म के आधार पे विवेचना करके और दंड या और तरह के की उसको यदि सजा दी जाए। नहीं, अब दंड का आपने दंड पूछा है, दंड कई तरह के होते हैं, दंड का प्रावधान, मैं दंड के प्रकार नहीं पूछा, मैं कह रहा हूँ कि दंड तक पहुंचना कि ये दंडाधिकारी है, इसको दंड मिलना चाहिए। हाँ, तो उस प्रक्रिया पे जब हम जा रहे हैं, उस प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे? उसी को न्याय कहा जाता है नॉर्मल पैरलांस में, कि ये जस्टिस हो रहा है, कोर्ट में जज साहब बैठे हैं, वकील है, अभियोजन पक्ष का वदील है, वादी पक्ष का, और दोनों जो है एक दूसरे की बात को प्रूव या डिसप्रूव करने पे लगे हुए हैं। ये न्याय नहीं, ये तर्क। और जो तर्क का रिजल्ट आएगा उसको क्या कहेंगे? तर्क की परिणीति वो न्याय हो। तो न्याय दो शब्द एक ही चीज, जो अलग अलग, जिसे आप कह लीजिए काल में या अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, इसके दो अलग अलग मीनिंग होंगे। हाँ, अलग अलग अर्थ उसके, अलग अलग अर्थ। तो यानी न्याय को जस्टिस भी कहा जा सकता है? कहा जा सकता है, कहा जा सकता है एक एस्पेक्ट। तो यानी न्याय को यदि हम उपयोग करें तो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, जैसे आपने वो बताया था न्याय शास्त्र के दौरान कि काल दोष, देश दोष और समय दोष या विषय वस्तु दोष, तो यहाँ पे न्याय जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं उस वर्ड को। तो हाँ, जस्टिस भी उसका एक मीनिंग हो सकता है, उसका एक मीनिंग हो सकता है। और न्याय शास्त्र के जहां तक बात है वहां पे इसका मतलब जस्टिस ना होकर तर्क होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग उसको यही रोकते हैं, और आपसे आगे भी और इन सब चीजों पे चर्चा जारी रहेगी, ताकि जो भारतीय ज्ञान सिस्टम है उसका एक छोटा सा, बहुत ज्यादा तो हम लोग नहीं दे सकते क्योंकि उसके लिए तो आदमी को पूरा पढ़ना होता है, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि वीक में एक या दो बार हम आपके साथ आए और अलग अलग दर्शनों पर आपसे बातचीत हो, आपसे और ज्ञान लें। आपने हमारे लिए अपने समय को निकाला, इसके लिए हम आपके बहुत ज्यादा आभारी हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से आपको अगले कभी प्रोग्राम में जरूर कष्ट देंगे, और आशा करते हैं कि आप हमारे साथ अपना समय जरूर देंगे। जी, नमस्ते।